अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर डेली रूटीन व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इमोशनल गुड बाय टू माय फादर एंड माय भाभी, बिकॉज दे लिफ्ट फॉर इस्लामाबाद। हमेशा जाते हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं जा रहे हैं, अक्सर सर्दियाँ गुजारने के लिए जाते हैं, लेकिन होता है ना हर बेटी की तरह मैं भी अब्बू के साथ बेहद अटैच्ड हूँ। तो अब्बू मैं जब घर जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, तब बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आती हूँ। जब अब्बू इधर आके कहीं जाते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ। तो फ़िलहाल तो जो है अब्बू बड़ी भाभी को लेके जा रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि मेरे भाई भी उधर होते हैं। अम्मी जो है वो छोटे भाई और भाभी के साथ गाँव में है, वो बाद में जाएगी क्योंकि दोनों की अभी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं। तो अभी जो है इधर हम अफ़गानी अंगूर इंजॉय कर रहे थे अबरिश परी के साथ। ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, बहुत ही क्यूट माशाल्लाह, बहुत ही चपड़ चपड़ बोलती है, बहुत ही प्यारा बोलती है। तो इनके साथ बैठ के हम लोग अफ़गानी अंगूर इंजॉय कर रहे थे। पता नहीं अफ़गान की चीज़ें नहीं होती तो हमारा क्या होता, क्योंकि अगर आप देखें तो चित्राल में अफ़गानी तंदूर बेहद मशहूर, और अगर आप देखें तो चित्राल में अफ़गानी ममतू जो है यानी कि डम्पलिंग्स बेहद मशहूर, और अफ़गानी अंगूर बेहद मशहूर, उनके तरबूज बेहद मशहूर, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल जहन में नहीं आ रही लेकिन बहुत मशहूर हैं। तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा मज़े से खा रहे थे इनको। तो इधर मैं वैसे ही लंच बना रही थी, कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। टेंडे जब भी आप बना रहे हो ना, तो वो चिकन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। किसी और गोश्त के साथ, बीफ या मटन के साथ आप बनाएंगे, बिल्कुल ही अजीब सा उसका जायका हो जाएगा। जब भी आप टेंडे बनाएं चिकन के साथ बनाएं, और पानी उसमें बिल्कुल ना डालें, क्योंकि टिंडों का इतना पानी निकलता है कि उससे चिकन और टिंडे पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली, वो ऑयल का शाइन आना चाहिए, बहुत ही मज़े के टिंडे बनते हैं, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप। तो यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ रही थी, लेकिन एक अजीब भी हुलिये में, क्योंकि वो बनी हुई थी इस वक्त एल्सा। जब मैंने उससे पूछा तो कहती है मैं एल्सा बनी हुई हूँ, और टेबल क्लॉथ उठा के गले में बांध के, घर में कहीं भी इसको कोई कपड़ा नज़र आए ना या कोई दुपट्टा मेरा नज़र आए, बस गले में बांध के घर में दौड़ती उड़ती फिरती रहती है, कहती है मैं एल्सा हूँ। पता नहीं क्या क्या अजीब कैरेक्टर्स के नाम लेती है जिन्होंने बच्चों के दिलो दिमाग पर जो है ना अपना कब्जा कर लिया है। इधर मेरा छोटा बाबू हेयर कट के बाद बेहद रो रहा था। आजकल चित्राल एक रूट बना हुआ है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, तो सारा दिन आसमान पे ये खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जहाज़ जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है मौसमी फलों का। इधर हम लोग मज़ा ले रहे थे पड़ोसी के घर जाके। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तकरीबन अब्बू लोग निकले थे इस्लामाबाद के लिए। तो यहाँ हम अब्बू लोगों को रुख्सत कर रहे थे। मेरे अब्बू जो हैं ही 75 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनका शफ़क़त भरा साया हमारे ऊपर सलामत रखे। और बाय नेचर ही इज़ वेरी काइंड, वेरी लविंग पर्सन। प्यार तो हर बाप अपने बच्चों से बेहद करता है, लेकिन हमारे अब्बू का प्यार हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए बेशुमार, इट वाज लाइक अनकंडीशनल लव। अगर मेरी बाजी इस वक्त ये वीडियो देख रही है, शी मस्ट बी जेलस। बाजी, बाबा मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं एंड एवरीवन नोज दैट। तो बहुत ज़्यादा इधर मैं रो रही थी अब्बू को रुख्सत करने के बाद उसके पीछे, हालांकि हर दफ़ा सर्दियों में जाते हैं और फिर गर्मियों में लोग वापस आते हैं। तो वैसे ही एक होता है ना, जब आप किसी को गुड बाई कहते हैं तो किसी को गुड बाई कहना, खुदा हाफिज़ कहना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। सो इट वाज नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अपनी फ्रेंड्स, बहुत ही पुरानी मेरी कोलीग भी मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो आजकल वो हॉस्टल चला रही हैं, अपना पर्सनल अच्छा खासा सेटअप उनका है, बिज़नेस चला रही हैं। तो काफ़ी अर्सा हो गया था उनसे मिले हुए, एंड अब मैं अब्बू लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो सोचा उनके पास जाके थोड़ी देर बैठ के गपशप मार के आ जाऊँ। तो मैं उनसे मिलने गई थी, काफ़ी अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, चाय शाय पी, खाना शाना खाया, खाने के बाद वापस आ गए। सो इट वाज नेक्स्ट मॉर्निंग, बच्चों को मैं गाड़ी में बिठाने के लिए, बस में बिठाने के लिए इधर स्टॉप पर खड़ी थी, और ज़हरा मुझे अपने स्कूल का जो है ना नाच सुना रही थी। मार्केट में
में मुझे एक सूट नज़र आया था। वैसे मुझे ना, मैं शॉपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, हमेशा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। मार्केट जाके कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, पूरा मार्केट छान लेती हूँ, एक सूट भी नहीं ख़रीदती, वापस आ जाती हूँ। तो बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ही कहते हैं ना कि शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है और वो चीज़ पसंद आती है जो किसी के पास नहीं होता। तो ये सूट मुझे एक नज़र आया, बहुत ही मुझे यूनिक इसका प्रिंट लगा और ऑरेंज कलर जो है पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो ऑरेंज कलर ने मुझे अट्रैक्ट किया। उसके बाद इसका प्रिंट बहुत यूनिक था, तो इसके प्रिंट ने भी मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने ये सूट ले लिया। काफ़ी मोटा सूट था, नीचे से पूरा वूल, ऊपर से काफ़ी इसका सिल्की सा टेक्सचर था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो अब आप लोगों से, जो ख़वातीन, यू स्टाइलिश लेडीज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग देन प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ दिस क्लॉथ। मैं किस तरह से इसको स्टिच कराऊँ, किस स्टाइल में, किस डिज़ाइन में कराऊँ, तो मुझे आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो उसके अलावा मेरी नीस खुशी की छोटी बहन के लिए भी हमने शूज़ दिए दिए, गिफ्ट मुझे लेना था। तो ये एक मेरी बड़ी नीस आ रही है कराची से, तो कराची से आपको पता है वहाँ सर्दी होती नहीं है, तो गर्म कपड़े होंगे नहीं, तो उसके पहुँचने से पहले मैंने उसके लिए गर्म कपड़े ले लिए। एंड आई थॉट कि उसको ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, जैसे कि आजकल की लड़कियों को लगता है फैशन में इन है ये कलर, तो इसलिए मैंने उसके लिए ब्लैक कलर का गर्म जो है ना वूलन सूट ले लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना DIY प्रोजेक्ट। हमेशा हम लोग TikTok पे देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और अक्सर DIY प्रोजेक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि कोई उन पे अमल करता होगा। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रही थी किचन में, स्पून वगैरह खास करके बच्चे इधर उधर फेंक रहे होते थे, तो मैंने सोचा कि किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे कंटेनर्स तो बहुत सारे थे, रख रही थी, लेकिन वो और ज़्यादा जगह घेर रही थी। मुझे चाहिए था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कम जगह ले और ज़्यादा चीज़ें स्टोर करें अपने अंदर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अयान के कुछ फटे हुए पेंट्स थे, वो पेंट्स मैंने ले लिए, और जो ऊपर वाला पोर्शन है नाड़ा जिसमें डालते हैं रबड़ वाला, चूंकि बच्चों का पेंट है तो वो ऑलरेडी रबड़ वाला होता है, तो इसमें मैंने लकड़ी का थोड़ा सा स्टिक डाल के ऊपर जो स्टिकिंग वाला हुक है वो लगा के उस पर मैंने हैंग कर दिया। दो पॉकेट्स वाला मैंने एक बनाया जिसमें मेरे फोक्स, नाइफ्स और जो छोटे चमचे हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे, और दूसरा जो है उसमें मैंने बड़े चमचे जो चावल सालन वाले हैं वो, और उसके साथ खाने वाले जो चमचे हैं वो मैंने उसमें रख दिया, जिससे काफ़ी अच्छा सा मतलब कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें मेरी स्टोर हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चमचे, फोक्स वगैरह हैं, ये मेरे डेली यूज़ के हैं, तो मेहमानों वाले जो हैं वो मैं अलमारी में रख देती हूँ, जो डेली यूज़ वाले हैं उनको इस तरह से मैंने हैंग करके रखा है। बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों के पेंट पुराने हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो उनको जलाने या फेंकने के बजाय उनको रिसाइकिल करके आप बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ उनसे बना सकते हैं। तो ये मैंने इंटरनेट से सीखा है, TikTok से सीखा है, जहाँ पे बहुत सारे DIY आइडियाज़ देते हैं, तो मैंने जो देखा है उसी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी बहुत ही एक प्रोडक्टिव चीज़ ये बन जाती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने खुद बनाया है, चूँकि मेरे जो स्पेचुलास थे वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रहे थे, बहुत जगह ले रहे थे इधर उधर रखने से, वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो उनको भी मैंने सोचा कि किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो उसके लिए मुझे एक आइडिया आया। किसी के ऑयल जार है जो हर किसी के घर में यूज़ होता होगा, और हर हफ्ते बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और हम क्या कर देते हैं, इनको उठा के फेंक देते हैं। तो ऐसे स्पेचुलास बहुत सारे आप लोगों के घरों में होंगे जो कि जगह भी घेरते हैं और थोड़ा सा किचन का लुक भी ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी लगता है किचन इनकी वजह से। तो मैंने क्या किया कि ये बोतल मैंने लिया, इसका लीड मैंने निकाल के जो वो पोर्शन है उसको मैंने काटा, और एक कील की मदद से मैंने इसके इर्द गिर्द सुराख किया, कील को गर्म किया, उसके बाद मैंने राउंड राउंड शेप में सुराख किए, और इसमें जितने भी मेरे स्पेचुलास थे, जितने भी ये चीज़ें हैं, वो मैंने इसके अंदर रख दी, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।